हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, नियन टेस्टर, डिस्चार्ज रॉड और सॉर्टिंग चेन का यूज इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किस तरीके से किया जाता है और उनका क्या पर्पस है यूज करने का, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एसटी या एलटी लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है तो उसके मेंटेनेंस करने के लिए सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इरर की वजह से एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए सारे सेफ्टी प्रोसीजर का यूज हमको करना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल एसटी या एलटी लाइन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में या एसटी एलटी पावर नेटवर्क में काम कर रही है, उनका एक स्टैंडर्ड एसओपी है जो कि डिजाइन किया गया है एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसमें की सारी चीजें मेंशनड है कि कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज करना है और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जिससे कि कोई भी ह्यूमन इरर की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए, साथ ही साथ किसी की जान ना जाए। तो यहाँ पे तीन इक्विपमेंट, नियन टेस्टर, डिस्चार्ज रॉड और सॉर्टिंग चेन का यूज क्यों किया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ये तीनों एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है लाइनमैन के लिए और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए। अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क या मेंटेनेंस वर्क एचवी या एलवी नेटवर्क में हमको करना है तो हमको 6 स्टेप का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहला स्टेप है परमिट लेना, उसके बाद लाइन को चेक करना कि लाइन डेड हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना, सॉर्टिंग चेन से एक सेफ जोन बनाना, काम करना और फिर परमिट को रिटर्न कर देना। तो इस 6 स्टेप को हम लोग डिटेल में देखेंगे और यहाँ पे ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नियन टेस्टर, डिस्चार्ज रॉड और अर्थिंग सॉर्टिंग चेन का यूज हमको क्यों करना चाहिए और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे एक 11 केवी या 6.6 केवी का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें की पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और सपोज हमको ट्रांसफार्मर पे कुछ रिपेयरिंग वर्क करना है तो इसके लिए इलेक्ट्रिशियन को क्या करना चाहिए और रिपेयरिंग वर्क किस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन अलोंग विद सुपरवाइजर सब स्टेशन में जाएगा। सब स्टेशन में एक ऑपरेटर रूम रहता है जहां पे एक ऑपरेटर बैठा रहता है जो कि फीडर को मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है। तो वहां पे लाइनमैन जाकर सबसे पहले ऑपरेटर से परमिट का डिमांड करेगा कि हमको परमिट चाहिए ताकि हम रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट कर सके। तो इसके एवज में ऑपरेटर बोलेगा कि एक परमिट फॉर्म आप फिलअप करके दो। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, परमिट फॉर्म को फिलअप करेगा। परमिट फॉर्म में डिटेल रहेगा सुपरवाइजर का, कहाँ पे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है और कितने लोग काम करने वाले हैं, ये सारी डिटेल परमिट फॉर्म में फिलअप करने के बाद ऑपरेटर को देंगे। तो ऑपरेटर उसके एवज में परमिट को सेंक्शन करेगा और पार्टिकुलर फीडर या सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देगा और वहां पे टैग लगा देगा कि इस लाइन को परमिट दिया गया है। तो जब तक कि परमिट को रिटर्न नहीं किया जाएगा, इस सर्किट ब्रेकर को ऑन नहीं करेगा कोई भी। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क सेफ हो गया काम करने के लिए। अभी लाइन मैन अलोंग विद सुपरवाइजर साइट पे जाएगा। यहाँ पे साइट पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि 11 केवी के लाइन से कनेक्ट है। ये 11 केवी का लाइन है और ये लाइन आगे भी जा रहा है। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि हमारा ये लाइन डेड हुआ कि नहीं हुआ, इसके सप्लाई है तो नहीं। तो इसके लिए नियन टेस्टर का यूज करते हैं। नियन टेस्टर जस्ट लाइक अपना जो घर में टेस्टर हम लोग यूज करते हैं वैसा ही रहता है, लेकिन ये हाई वोल्टेज पे भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए नियन टेस्टर को हम लोग लाइन से टच करेंगे। अगर लाइन में कोई भी वोल्टेज रहेगा तो इसका इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और इसमें अगर बजर का सिस्टम है तो बजरिंग भी होगा। अभी नियन टेस्टर दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट टाइप, एक नॉन कॉन्टेक्ट टाइप। कॉन्टेक्ट टाइप का यूज हम लोग जहां पे कंडक्टर ओपन है वहां पे कॉन्टेक्ट टाइप यूज करेंगे और जहां पे केबल है वहां पे नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का नियन टेस्टर यूज करेंगे। अभी नियन टेस्टर जब यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि प्रॉपर रेटिंग का नियन टेस्टर यूज करना है। सपोज आपके पास 6.6 केवी का नियन टेस्टर है तो उसको आप 33 केवी के लाइन पे नहीं टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नियन टेस्टर में एक सेटिंग रहता है कि इसको एसटी के लिए यूज करना है या एलटी के लिए यूज करना है, तो वो सेटिंग करना है। इसके बाद काम होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर देना है, साथ ही साथ पावर स्विच को भी ऑफ कर देना है। अभी लाइन को हमने चेक कर लिया, लाइन हमारा बंद हो गया है। इसके बाद लाइन को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई जाने के बाद भी इस लाइन में कुछ रेसिडुअल करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइन में ट्रांसफार्मर है, एपीएफसी का पैनल हो सकता है और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, तो लाइन में कुछ रेसिडुअल करंट रह सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्चार्जिंग रॉड। डिस्चार्जिंग रॉड में एक इंसुलेटिंग रॉड रहता है और उसमें फ्रंट पे एक हुक रहेगा और हुक से एक वायर अटैच रहेगा और यहाँ पे एक क्लैंप है। तो सबसे पहले
क्लैंप को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और वन बाय वन इस हुक को लाइन से टच करेंगे। ऐसा करने से कोई भी रेसिडुअल करंट जो इस लाइन में रहेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा अर्थ में। तो इस तरीके से हमारा जो नेटवर्क है जहां पे हमें काम करना है वो सेफ हो जाएगा काम करने के लिए, और अभी इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन यहाँ पे काम कर सकता है। बट सपोज कीजिए इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और किसी ने गलती से सब स्टेशन में इस लाइन को एक्टिवेट कर दिया या सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, 11 केवी का लाइन यहाँ पे आएगा और वो कोई भी मौका नहीं देगा इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन को बचने के लिए, और ऑन द स्पॉट लाइनमैन का डेथ हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमको यहाँ पे सेफ जोन बनाना पड़ेगा। तो सेफ जोन बनाने के लिए हम लोग शॉर्टिंग चेन का यूज करते हैं। तो शॉर्टिंग चेन एक कंडक्टिंग चेन है जो कि एल्यूमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है या ब्रास का हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्टिंग चेन को इस कंडक्टर से लपेट देंगे और उसका एक टर्मिनल अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और ये चीज हमको दोनों साइड में करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक अर्थ जोन क्रिएट हो जाएगा जो कि सेफ जोन कहलाता है। तो इस जोन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा नहीं रहेगा। अभी सपोज किसी ने गलती से सप्लाई ऑन कर दिया तो क्या होगा कि ये शॉर्टिंग चेन उसको सीधा अर्थ कर देगा और सप्लाई आप तक आने नहीं देगा, और सर्किट ब्रेकर इमीडिएट अर्थ फॉल्ट की वजह से ट्रिप हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नियन टेस्टर से हम लोग लाइन को टेस्ट करते हैं कि लाइन में कोई सप्लाई नहीं हो, और डिस्चार्जिंग रॉड से इसके रेसिडुअल करंट को डिस्चार्ज करते हैं, और शॉर्टिंग चेन से इस एरिया को हम लोग सेफ जोन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना रिपेयरिंग वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क को स्टार्ट करेंगे, और वर्क कंप्लीट होने के बाद शॉर्टिंग चेन जो लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। अदरवाइज आप जब परमिट को रिटर्न करोगे और शॉर्टिंग चेन लाइन में लगा हुआ है तो आपके नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। काम कंप्लीट करने के बाद आप सारे जो सेफ्टी डिवाइस यूज कर रहे थे उसको निकाल कर अलग हो जाएंगे, प्रॉपर चेक कर लेंगे कि आपने जो रिपेयरिंग वर्क किया है वो प्रॉपर हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो इसके बाद परमिट को सब स्टेशन में रिटर्न कर देंगे। परमिट एक बार रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद ऑपरेटर पार्टिकुलर लाइन को ऑन कर देगा, सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगा, और इस तरीके से सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 स्टेप का सेफ्टी प्रोसीजर के साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का वर्क कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है कि नियन टेस्टर, डिस्चार्ज रॉड और शॉर्टिंग चेन का क्या यूज है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे यूज करते हैं और कब यूज करना है। तो सपोज नियन टेस्टर का यूज हम लोग लाइन के स्टेटस को चेक करने के लिए करते हैं, और ये पीसीबी ऑपरेटेड बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें एक इंसुलेटिंग रॉड होता है और ये काम को स्टार्ट करने से पहले यूज करते हैं। सिमिलरली डिस्चार्जिंग रॉड का काम रेसिडुअल करंट को डिस्चार्ज करना है, और शॉर्टिंग चेन का काम सेफ जोन क्रिएट करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि ये वीडियो इलेक्ट्रिशियन और लाइन मैन के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।